भारतीय बुलडोजर, पटेल इंजीनियर, पांडे इंस्पेक्टर, सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ दो। क्या? सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ दो। ओफो शुक्ला जी, ठीक से बोलिए, पान थूक कर बोलिए, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत प्रॉब्लम हो जाता है सर। लास्ट टाइम बगर मंडी तोड़ने के लिए गए थे, इनके मुंह में पान भरा हुआ था, इन्होंने कहा ये कंस्ट्रक्शन लीगल है छोड़ दो, हमें लगा ये कह रहे इलीगल है तोड़ दो, हमने तोड़ दी। और पब्लिक ने जो पत्थर फेंके थे, आज भी हवा चलती है तो पता लगता है कि कहाँ कहाँ पत्थर लगे थे। शुक्ला जी, आपकी पान की वजह से कितने सारे मकान टूट गए। हाँ, आपका नाम शुक्ला तोड़ू नहीं, शुक्ला पान भंडार होना चाहिए था। बार। पान ने बहुत प्रॉब्लम दिया हमें, आपसे ये पान बंद, आप ये लास्ट। नहीं, ठीक है, एक ऐलान कर लो कि सारे लोग जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की कंप्लेन लाएंगे उन्हें एक इलीगल दुकान फ्री। आइए आइए भाजा भाई, आइए, यहाँ पे कलकटिया भी है, महुआ भी है, बनारसी भी है, आइए भाजा। अरे तो गया। अरे भैया आजा आजा, पान तो खा लो। हाँ खाएंगे, 300 ले आइए। आइए आप, आइए भाजा, मीठा पान खिलाता हूँ मैं। पक्की पक्की। हाँ तो ठीक है। ये बात ठीक नहीं है बेटा धन्नू, और ये बात ठीक नहीं है बेटा अप्पू। कहा ठीक नहीं है भाई? हाँ कहा ठीक नहीं है। एक तो तुम लोगों ने मेरे कंपटीशन में यहाँ पे इलीगल दुकानें खोल ली है, और ऊपर से मेरे ग्राहक तोड़ रहे हो। अगर तोड़क दस्ते को बड़ा चल गया ना, तो तोड़ डालेगा तुम लोगों की दुकानें। अबे कौन कहता है इलीगल है बे? हाँ? पूरा 5,000 रुपल्ली दिया है, हाँ? नरक पालिका को। हाँ तो मेरे ग्राहक का तोड़ रहे हो। चौरसिया चुप करने, दूंगा कंटा। अबे टूटेगा कम, तू कंटा अब देगा मुझे, तू मुझे डांटा नहीं है। मैं पूरे तेरे खानदान को जानता हूँ। मेरे चाचा चौरसिया को जानता है, पनवारी है, और कौन डीएम है का? तो बनवारी जी। लेकिन जब वो शुक्ला तोड़ू निकलता है ना घर से दुकान मकान तोड़ने के लिए, तो सबसे पहले मेरे चौरसिया चाचा का पान खा के निकलता है। अब बोल शुक्ला तोड़ू। हाँ क्यों, हवा सड़क गई शुक्ला तोड़ू का नाम सुनते ही। अबे अगर उसको पता चल गया ना अपने शहर का खैर ना रहे, तुम लोगों की ये जो इलीगल दुकानें है ना तोड़ के साइड पर करेगा। कौन बोलेगा उसको? कौन बोलेगा बेटा? कंप्लेन कौन करेगा? मैं ही करूंगा कंप्लेन, और कौन करेगा? गुड, सबसे पहले इनको एक इलीगल दुकान फ्री दी जाए। क्या? हमने एक स्कीम निकाली है, इलीगल दुकान की कंप्लेन करने वाले को एक इलीगल दुकान फ्री। लेकिन वो दुकान तो इलीगल ही होगी ना साहब? उसकी भी तो कंप्लेन होगी ना। अरे हाँ वाह, क्या स्कीम है सर। जाइए पांडे इंस्पेक्टर को रिपोर्ट लिखवाइए, भाटिया बुलडोजर को पता बताइए, समझ लीजिए आपकी दुकान। नहीं 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 सर, मुझे अपनी दुकान नहीं तोड़वानी है। कौन? किसकी दुकान तोड़वानी है? वो जो आसपास की इलीगल दुकानें हैं ना, वो तोड़वानी है सर। अच्छा किया आपने बता दिया, वरना उषा जी, जी इनको ले जाइए और ले जाइए। सर एक सेकंड, मैं आपके लिए पान लेके आया था। क्या जी? मैं चाचा चौरसिया का भतीजा चौरसिया हूँ। चाचा चौरसिया, आहा, वही ना जिनकी तीन तीन इलीगल पान की दुकानें हैं। जी हाँ, जिनकी तीन तीन इलीगल पान की दुकानें हैं। काहे की दुकान है आपकी? जी पान और कोल्ड ड्रिंक्स की। अच्छा, खाने को क्या मिलता है? जी पान? अरे वो नहीं यार, मतलब वैसे खाने को कुछ, मतलब समोसे कचौड़ी वगैरह? नहीं ऐसा कुछ तो नहीं मिलता मेरी दुकान। अरे यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब भाई, समोसे कचौड़ी अगर हो तो भाटिया का बुलडोजर बहुत तेज चलता है, बहुत तेज तोड़ता भाटिया, लेकिन अब आपकी दुकान तोड़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। देखिए देखिए भाई साहब, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन मदद करेगा? देखिए मेरे 60 की दुकानों में 2 इलीगल दुकानें इन लोगों ने खोल ली है, और मेरा तो डंडा सारा का सारा चौपट हो गया। भाई हमने तो सुना है कि भाटिया इतने फेमस हैं कि एक बार उनका बुलडोजर चल जाए तो बस फिर लीगल हो या इलीगल, जब तक तोड़ नहीं डालते तब तक चलता ही रहता है बुलडोजर। वो तो है, लेकिन बुलडोजर चले तब ना। तो आप चलाइए ना। कैसे चलता है बुलडोजर? अच्छा आप ही बता दीजिए कि बुलडोजर कैसे चलता है। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको सही उत्तर देना है। पहला पानी, दूसरा दारू, तीसरा डीजल, चौथा रिश्वत। पानी, दारू, डीजल, रिश्वत, आप बताइए सही उत्तर क्या है। जल्दी मत कीजिए, आप अपना समय लेके बोलिए। देखिए आपके पास 3 लाइफलाइन है। पहला 50-50 जिसमें 2 गलत जवाब मिटा दिए जाएंगे। दूसरा फोन अ फ्रेंड, आप अपने किसी मित्र या रिश्तेदार को फोन कर सकते हैं। तीसरा पब्लिक ओपिनियन यानी जनता की राय। आप एक बार सवाल दोहरा सकते हैं? जरूर। टू रिमूव द इलीगल कंस्ट्रक्शन, हाउ डज द बुलडोजर मूव? ए पानी, बी दारू, सी डीजल, डी रिश्वत। जी मैं लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना चाहूंगा। वेरी गुड, कौन सी? जी 50-50। ओके 50-50, पांडे जी 2 गलत जवाब मिटा दिए जाए।
ओके, दो गलत जवाब मिटा दिए। अब आपके पास ऑप्शन बचे हैं सी डीजल, डी रिश्वत। सी डीजल। डीजल जी? पक्का? पक्का। सोच लीजिए, अगर डीजल से नहीं चला तो आपकी दुकान तक पहुंचेगा नहीं। डी रिश्वत। रिश्वत? रिश्वत देना चाहेंगे आप? जी। ये आपका फाइनल जवाब है? देखिए, मन में अगर दुविधा हो तो दूसरी लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फोनो फ्रेंड और जनता की राय बाकी है। जी मैं फोन करना चाहूंगा। किसे? चाचा चौरसिया को। ओके पांडे जी, चाचा चौरसिया को फोन लगाया जाए। फोन नंबर बोला जाए। 6282849। क्या करते हैं आपके चाचा? चाचा चौरसिया भी पान की दुकान है। ओ हेलो चाचा चौरसिया। हाँ काले। प्रणाम, मैं पांडे जी बोल रहा हूँ, डिमोलिशन स्कॉट तोड़क दस्ता के ऑफिस से। हाँ हाँ तोड़िए, मेरा मतलब है बोलिए। देखिए इस वक्त आपके भतीजे मेरे सामने बैठे हैं, मुसद्दीलाल चौरसिया, जो एक इल्लीगल दुकान को तोड़ने की कंप्लेन लेकर आए हैं। हमने उनसे एक सवाल पूछा, फंस गए हैं वो जी। इस सवाल के जवाब में दो ऑप्शन हैं, आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है, और इसके लिए मिलेंगे आपको 30 सेकंड्स, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चाचा चौरसिया। हाँ बेटा मुसद्दी, क्या बात है? भाई ये इल्लीगल दुकान तोड़वाने के लिए, बुलडोजर चलाने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है, डीजल के रिश्वत? बेटा हमने तो इल्लीगल दुकान तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बनवाने के लिए बुलडोजर चलवाया था। अच्छा तो तोड़ने के लिए क्या क्या कैसे चला था? अरे रिश्वत से। अच्छा तो वो तोड़ने के लिए? अच्छा नहीं पता है आपको? अरे दूसरी लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर, अभी अभी दुकान पर ग्राहक है। हाँ भी काटू कलकटिया या बनारसी? आपके चचा दुकानदारी में फंस गए, जवाब नहीं दे पाए और टाइम अप हो गया। आप बताइए क्या करेंगे आप? ये मैं तीसरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहूंगा। पब्लिक ओपिनियन। ओके, जनता मुसद्दीलाल की मदद करने के लिए तैयार हो जाए। अरे लेकिन जनता कहाँ है यहाँ पे? अरे है ना यहाँ पे बैठे हुए। पांडे जी रेडी? रेडी भाटिया जी। तो जनता की राय है कि जनता ने डीजल को दिए हैं 0% और रिश्वत को दिए हैं 100%। तो आप बताइए कि आप क्या देंगे? जी मैं रिश्वत दूंगा। अरे यार पहले ही दे देता तो इतनी परेशानी क्यों होती? मुझे पहले पता नहीं था ना कि इल्लीगल दुकानें तोड़ने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। अरे ये इल्लीगल काम है, रिश्वत लेना ना? नहीं नहीं, दुकानें बनाना, और आप तो जानते हैं कि लोहा लोहे को काटता है। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को मिटाने के लिए इल्लीगल तरीका, समझे? अब जाइए अलॉटमेंट ले लीजिए पटेल साहब से। अलॉटमेंट? हाँ, एक इल्लीगल दुकान की कंप्लेन के बदले एक इल्लीगल दुकान फ्री। ये स्कीम खास तौर पर हमने जनता के लिए ही बनाई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इल्लीगल कंस्ट्रक्शन सामने आए। और वो सामने कैसे आएंगे? जब जनता बताएगी तो। करेक्ट, जनता क्यों बताएगी? जब जनता का फायदा होगा तो। करेक्ट, तो ये स्कीम हमने जनता के फायदे के लिए ही बनाई है। बोलिए कहाँ पर दुकान लगानी है? देखिए है तो इल्लीगल है ना। हाँ तो कोई कल को कंप्लेन करेगा तो आप उसे तोड़ डालेंगे। तोड़ डालेंगे तो भी देने का फायदा ही क्या हुआ? अरे भाई ताकि दूसरा कंप्लेन करे उसका भी तो फायदा होना चाहिए ना। अच्छा अच्छा, जो कंप्लेन करेगा उसको भी देंगे? नेचुरली। अरे भाई ये तो चलता रहेगा, आप दुकान देंगे फिर तोड़ेंगे, देंगे फिर तोड़ेंगे, फिर तोड़ेंगे देंगे। ये क्या है, सरकारी पॉलिसी है, जैसे कि सरकार पहले सड़क बनाती है फिर तोड़ती है, वैसे। पूछो क्यों? पूछा क्यों? भाई देखो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होगा ही नहीं तो डेमोलिशन स्क्वाड क्या करेगा? कुछ नहीं। और अगर कुछ नहीं करेगा तो लोग कहेंगे ये देखो कुछ नहीं करते, बैठे बैठे पगार खाते हैं। नहीं साहब, किसने कहा कि आप कुछ नहीं करते? आप तो बहुत कुछ करते हैं। क्या है कि अपने आप को बिजी रखना भी अपने आप में बहुत बड़ा एक काम है। थैंक यू। तो बोलिए आपको कहां पर दुकान दे दूं, मंत्रालय के बाहर या मूत्रालय के बाहर? जी हाँ भाई, फिलहाल तो ये दो स्पॉट ही अवेलेबल हैं। बोलो आपको क्या चाहिए, मंत्रालय या मूत्रालय? मूत्रालय के बाहर दे दीजिए। मंत्रालय ले लो, आजकल मंत्री लोग बहुत पान खाते हैं। अरे भैया पान तो बहुत खाते हैं लेकिन पैसे से नहीं देते हैं। ओ हाँ वो है, ठीक है तो चलो मूत्रालय, I mean, कल वहीं पर जाकर दुकान लगा लेना। तो ठीक है, लेकिन वो धुन्नू और हप्पू की दुकानें तोड़ने के लिए कब आ रहे हैं ना? बस आप जाइए, हम आते हैं पीछे पीछे। अरे भूमरो भूमरो श्याम रंग भूमरो आए हो किस बगिया से, भूमरो भूमरो श्याम रंग भूमरो भूमरो। गा रहे बुन्नो, आज इतना गाय क्यों रहा है? लगता है धंधा चौपट होने के गम में गा रहा है। लग तो यही रहा है, एकदम में पागल। हमारी कंप्लेंट की थी इसमें। हाँ, तो अब तो लगता है कि इसकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी मेंटल हॉस्पिटल में। मेंटल
क्यों भाई मुसद्दी लाल, आज बड़े मूड में हो? भैया मैंने फैसला किया है कि मैं तुम लोगों से झगड़ा नहीं करूंगा। काहे काहे डर गए का? नहीं नहीं डरा तो नहीं हूँ, पर क्या है कि तुम लोग कुछ देर के मेहमान हो यहाँ पे, उसके बाद तो तुम्हारी ये दुकानें उठा दी जाएंगी ना। क्या कह रहा भाई? हाँ सही कह रहा हूँ, मैंने कंप्लेन कर दी है तुम लोगों की, मेरा धंधा चौपट करने की कोशिश कर रहे थे ना बेटा, अब पता चलेगा तुम लोगों को बेटा। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, ठीक है तुम लोगों का एरिया है मारो। एरिया तो तेरा भी है, हाँ? इस एरिया में तो तेरी भी दुकान है। हाँ हाँ दुकान तो है मेरी इस एरिया में, लेकिन मेरा एक उसूल है, वो ये है कि मैं अपने एरिया में किसी को मारता नहीं हूँ, क्योंकि नहीं तो लोग ये कहेंगे कि अपने एरिया में मारा तो भैया क्या मारा, पर तुम लोग तो अपने ही एरिया में मार रहे हो। मारो मारो बेटा मारो। तो बोल कहाँ चले? कहाँ नहीं, कहीं और जाने की जरूरत क्या है, यहीं मारो, क्योंकि शुक्ला ने तो यहीं आना है ना। हाँ हाँ शुक्ला तोड़ू लो आ गया। सुनो वो टेबल कुर्सी यहाँ पे छांव में लगा दो, और सुन रहे हो क्या, वो चारपाई धूप में लगाना, नहीं तो पापड़ सूखेंगे नहीं, जल्दी करो। नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार। अब आ गई? यही तो, तुम्हें क्या लगता है? जी एक सेकंड। अरे मैडम तो अब आ गई। तो बस आ गई। अरे जल्दी करो ना। हाँ बस रोको पांडे। अरे पांडे रोको, क्या करो? अरे पांडे कहोगे तो ब्रेक नहीं लगेगी। ओहो मेरे माई बाप क्या कर क्या रहे हो? अरे पांडे जी रोकिए प्लीज। अरे क्या कर रहे हो? आदमी की क्या है ये? अरे 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 थैंक यू। आप तो गिर गए पटेल साहब। थैंक यू। एक सेकंड मेरे फाइल मैं देता हूँ। थैंक यू। बोलो कहाँ है आपकी दुकान? कौन सी है? ये बीच वाली दुकान मेरी है, और ये लेफ्ट और राइट वाली है ना, ये दोनों इलीगल है, इनको तोड़ डालिए। पांडे जी बुलाओ। क्या? अरे लाउड स्पीकर लाओ ना। बोबो पकड़ो। हेलो हेलो हेलो, सुनो गांव वालों, हम यहां पर इल्लीगल दुकान तोड़ने आए हैं, तो इल्लीगल दुकान वालों से विनती है कि वो अपनी अपनी दुकान से हट जाएं और सामान भी हटा लें। अगर नहीं हटाया 10 मिनट में तो दो बातें हो जाएगी, या तो शुक्ला तोड़ू आकर अपनी दुकान के साथ साथ सामान भी तोड़ देगा, या तो सामान हम साथ ले जाएंगे। सामान साथ ले गए तो ठीक है, तोड़ दिया तो दो बातें होगी, या तो आप दोबारा इल्लीगल नई दुकान बनाएंगे, या तो फिर नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, और अगर बनाया तो दो बातें होगी, या तो उस नई दुकान के लिए आप नया सामान खरीदेंगे, या तो पुराना सामान खरीदेंगे। पुराना सामान खरीदा तो सस्ता पड़ेगा, और नया सामान लिया तो। अरे यार क्यों नया सामान लेकर पैसे बर्बाद करना चाहते हो? मैं तो कहता हूँ यही सामान ले लो, दोबारा काम आएगा। तो भाई साहब आप भी निकालो सामान। मैं क्यों निकालूं, मेरी तो दुकान लीगल है। ओ फिर तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। भाई पांडे जी चलो देख लेते हैं किसका क्या क्या तोड़ना है। हाँ चलिए चलिए चलिए। मैं बचाता हूँ। अरे आप कहाँ आ रहे हैं? उषा जी की मदद करिए, उनके पापड़ बने नहीं है अभी। पर पापड़ बेलने तो मुझे आते नहीं। अरे वो सिखा देंगी ना। चलो चलो चलो। ओके ओके पांडे जी, नॉर्थ वेस्ट 20 डिग्री, वेस्ट ईस्ट 420 डिग्री, साउथ नॉर्थ 420 डिग्री, नॉर्थ वेस्ट 840 डिग्री। पटेल जी पटेल जी, अरे आपने तो कहा था ना कि आप दुकान नहीं तोड़ेंगे। हाँ मगर क्या करे, वो मुसदिया ना सीधा शुक्ला के पास पहुँच गया। ये शुक्ला एक नंबर का ईमानदार आदमी है। पांडे जी कुछ तो करिए, आपने तो खाया है। अभी कुछ नहीं हो सकता। तो हम कहा करें पटेल साहब? अरे भाई कहा ना कुछ नहीं हो सकता। आज तोड़ लेने दो, कल फिर बना लेना। हाँ हाँ लेकिन अगली बार दुकान के आगे एक छोटा मोटा मंदिर बना लेना। मस्जिद गिरजा कुछ भी। अरे फिर शुक्ला क्या उसका बाप भी नहीं तोड़ पाएगा। और अगर वो तोड़ने आया ना तो बोल देना दुकान तोड़ दो, लेकिन मंदिर नहीं तोड़ने देंगे। और जब मंदिर नहीं तोड़ सकता तो दुकान कैसे टूटेगी? समझ गया मैडम कि पापड़ कैसे बेले जाते हैं। समझ गया। समझ गए ना कितना आसान है ना। बेलो बेलो। जी जी ये मैडम शुक्ला जी कब आएंगे? शुक्ला जी, अरे वो देखो शुक्ला जी आ गए। नमस्ते। हम कुछ नहीं समझते, हाथ जोड़ कर अपने इलीगल दुकान बचाना चाहते हो? नहीं 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 मेरी दुकान तो लीगल है, इलीगल तो दूसरी है, कंप्लेंट मैंने की है। गुड,
पटेल सर कहाँ रह गए थे अब तक? अरे यार रास्ते में एक इलीगल मकान देखा तो बस तोड़ दिया। अरे कहाँ पूरा कहाँ तोड़ पाए, वहाँ बीच में ही किचन के पास पहुँच कर बुलडोजर वापस खींचना पड़ा। क्यों, वहाँ खाने को कुछ नहीं मिला गा? नहीं, खाने की बात नहीं थी, वहाँ जब पहुँचे किचन में तो वहाँ एक औरत दिखाई दी। शुक्ला जी बोले ये औरत तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है। उस औरत ने बताया वो इनकी पत्नी है, और जो घर ये तोड़ रहे थे इन्हीं का घर था। शुक्ला जी अपना ही घर तोड़ दिया? अरे पहचान नहीं पाए भाई, अब जब तुम तो जानते ही हो शुक्ला तोड़ू जब निकलता है तो सारा रास्ता तोड़ते हुए आता है, और सुबह से कितनी टेंशन है, एक पान नहीं खाए हम। चाचा चौरसिया कहा करते थे कि शुक्ला तोड़ू जब पान खा के निकलता है तो बस तोड़ते ही चला जाता है। मैं अभी बना के लाता हूँ पान। भाटिया बुलडोजर चलाने को तैयार? हाँ सर, लिख के दूं क्या? उषा जी जी रिपोर्ट तैयार? तैयार। पटेल सबको वार्निंग दे दी? दे दी। पांडे जी पुलिस बंदोबस्त ठीक है? यस सर। तो ठीक है भाटिया, रेडी स्टार्ट करो। ओके। 3, 2, 1 अरे अरे ये क्या है? अरे ओ भाटिया आदमी है अंदर। अरे 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 रोको रोको तोड़ो मत। अरे ये कैसे तोड़ रहे हो? रोको भैया रोको 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 भैया। ओ भाई साहब अब सरकारी काम में दखल मत दो। और भाई मेरी तो दुकान लीगल है, उसको काहे तोड़ रहे हो? रोको रोको। ए हट पीछे, पहले खुद कंप्लेन करते हो, खुद ही रोकते हो, अब नहीं रुकेगा। भाटिया अरे भाटिया 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 रोको रोको रोको। नहीं भाई नहीं, कमाल के आदमी हो, पहले तुम रिश्वत देते हो दुकानें तोड़ने के लिए, उसके बाद कहते हो कि मत तोड़ो। ऐसा नहीं हो सकता, एक बार हम रिश्वत ले ले पर पीछे नहीं हटते, हट जाओ। नहीं पापा, पर मैंने तो रिश्वत दाएं और बाएं तरफ की दुकान के तोड़ने के लिए दी थी, अपनी दुकान तोड़ने के लिए थोड़ी दी थी मैंने। अरे भैया गेहूं के साथ घुन भी तो पिसता है, हट जाओ। मैं घुनू शुक्ला साहब, मैं घुनू भैया, मैं घुनू, मुझे घुन कह रहा भाटिया। क्या 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 है, क्या ये आदमी? शुक्ला जी संभालो इसको। भाटिया व्हाट हैपेंड? अरे ये बोल रहा है कि बीच वाली दुकान इसकी है, वो लीगल है, आजू बाजू की दुकान तोड़नी है, बताइए क्या करे? पेपर दिखाइए। आज का पेपर? अरे आज का न्यूज़पेपर हम पढ़ के आए हैं, दुकान का पेपर। अरे अभी लेके आता हूँ मैं एक सेकंड के अंदर दुकान का पेपर। ये देखिए पहले से निकाल कर रखी हुई थी फाइल मैंने, ये लीजिए आप साहब। असली है? जी असली है। भाटिया इसके दुकान लीगल है, छोड़ो। ओके सर, थैंक यू सर। अरे मेरी दुकान, अरे ये क्या कर रहे हो? क्या किया बे? तोड़ दी। अरे लूट गया रे, अरे लूट गया रे, अरे लूट गया भैया। अबे किसने कहा था तोड़ने को? सर आपने तो बोला था दुकान इलीगल है, तोड़ दो। अरे आप पागल हो गए हो, मैंने कहा था दुकान लीगल है, छोड़ दो। हमने सुना दुकान इलीगल है, तोड़ दो। क्या भाटिया, व्हाट यू पीपल आर डूइंग बड़ी हियर? नहीं नहीं नहीं, आप गाली मत दीजिए सर, आप गाली मत दीजिए, उनकी गलती नहीं है, गलती आपकी है। आपने पान क्यों खाया? और आपने तो पान न खाने की कसम खाई थी। तो गलती क्या पान की है? हमें पान किसने खिलाया? मैंने। लो खुद ही पान खिलाते हो, खुद ही दुकान तोड़वाते हो, मजाक बना रखा है क्या? सॉरी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.